हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर बात करेंगे और वो है चकमा ट्राइब कंट्रोवर्सी, चकमा जनजाति। उस पर क्या कंट्रोवर्सी है, कौन है ये लोग, भारत में कहाँ से आए, ये सब हम देखेंगे और कौन कौन से राज्यों में कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर भी हम विस्तार से नज़र डालेंगे। अगर आप SSC CGL, UPSC या बैंक PO की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेनड्राइव कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये मैंने लिया क्यों है, क्योंकि अभी कंट्रोवर्सी ये हुई है कि भारत के मिज़ोरम के अंदर कुछ चकमा स्टूडेंट हैं, जो चकमा जनजाति के स्टूडेंट हैं, उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया लेकिन फिर भी उन्हें मिज़ोरम की सरकार ने MBBS सीट देने से मना कर दिया। यानी जो MBBS की सीट है मेडिकल कॉलेज में, वो 4 स्टूडेंट्स को देने से मना कर दिया, जबकि उन्होंने एग्ज़ाम पूरे मेरिट के साथ क्लियर किया था। इस बात से नाराज़ होकर केंद्र सरकार ने मिज़ोरम में जो मेडिकल सीट्स हैं उनका नंबर कम कर दिया है। तो मिज़ोरम और केंद्र सरकार के बीच में ये थोड़ा सा टसल चल रहा है। तो ये कंट्रोवर्सी है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि आपको समझनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि चकमा है कौन और ये सब क्यों चल रहा है। भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, हम उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते और ये हमारी अपनी खुद की गलती है। हम सिर्फ जो हिंदी बेल्ट है उस पर फोकस करते हैं, हमें पता ही नहीं पूरे और जो भारत में वो चल क्या रहा है, दक्षिण भारत में क्या चल रहा है, उत्तर पूर्वी भारत में क्या चल रहा है। तो ये हमारा भारत है, हमारा देश महान देश, और ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं। अब ये 7 सिस्टर बोलते हैं इन्हें, 7 बहनें बोलते हैं, और ये है बांग्लादेश। ये जो देश डार्क किया हुआ है, ये है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की जो शेप है वो ध्यान से देखिए, ये शेप है बांग्लादेश की, ये हो गया, और साइड में ये वाला जो एरिया है ये पहाड़ी एरिया है जो एक छोटे से स्ट्रिप ऑफ लैंड से जुड़ा हुआ है। तो बांग्लादेश की जो आकृति है वो समझनी बहुत ज़रूरी है, तब आप ये पता कर पाएंगे कि कौन कौन से राज्य से भारत के बांग्लादेश जुड़ा हुआ है। तो जो भी मैंने यहाँ लाल रंग में शेड किया है, ये है बांग्लादेश की बाउंड्री। अब इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो ये है भारत के उत्तर पूर्वी राज्य और ये है बांग्लादेश। ये यानी भारत का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के, ये भी बांग्लादेश है साइड में, ये एरिया मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, आपको याद होगा मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा इसी एरिया से संबंध है बांग्लादेश के, ये पहाड़ी एरिया है जो। अब यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया है। अब बांग्लादेश भारत से किस किस राज्य को टच करता है, ये है पश्चिम बंगाल, यानी बांग्लादेश का सबसे बड़ा बॉर्डर तो बंगाल के साथ ही है। तो ये पूरा बंगाल है यहाँ पे, ये बंगाल का जो चिकन नेक बोलते हैं जिसे, ये वो एरिया है, चिकन नेक ऑफ इंडिया। और फिर बांग्लादेश का ये छोटा सा बॉर्डर यहाँ पे आता है असम के साथ, फिर मेघालय के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर है, और फिर दोबारा असम के साथ, क्योंकि असम की आकृति देखिए, पहले यहाँ बांग्लादेश से मिलता है, फिर ये मेघालय से, और फिर दोबारा असम यहाँ पे बांग्लादेश से मिलता है, और फिर त्रिपुरा, और यहाँ पर मिजोरम, और ये जो नीचे देश है ये है म्यांमार, ये बर्मा बोलते थे पहले इसे, अब इसे बोलते हैं म्यांमार। तो बांग्लादेश की बाउंड्री एक बार फटाफट देख लेते हैं, बंगाल, उसके बाद असम, मेघालय, दोबारा असम, फिर त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। ये बहुत ज़रूरी है, और ये है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डिवीज़न हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, स्टेट हैं, तो ये बांग्लादेश के बिल्कुल सेंटर में है ढाका, ये है रंगपुर, राजशाही, खुलना, नीचे है बरिसाल, चितागोंग, और ये चितागोंग जो है ये पूरा पीछे तक एक्सटेंड करता है, ये है सिलहेट डिवीज़न। अब ये जो चितागोंग है ये सबसे एंड में है, और ये वाला जो एरिया है बांग्लादेश का जो पहाड़ी इलाका है, ये चितागोंग का हिस्सा है। तो ये चितागोंग पूरा है, यहाँ से ये पूरा चितागोंग है, और ये वाला एरिया है पहाड़ी एरिया, इसे बोलते हैं चितागोंग हिल ट्रैक्ट, यानी कि चितागोंग का पहाड़ी इलाका। इसमें ये ज़्यादा क्लियर है, इसमें देखिए ये है चितागोंग हिल्स, ये पूरा ये चितागोंग हिल्स हैं, और ये 3 इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, कागराचारी, रंगामती और बंदरबान। अब आपको इसमें एकदम क्लियर नज़र आ जाएगा कि चितागोंग की पहाड़ियाँ जो हैं, चितागोंग हिल ट्रैक्ट बोलते हैं, वो यहाँ पे हैं। और चकमा से ये रिलेटेड कैसे हैं, क्योंकि चकमा यहीं पर रहते थे। ये है चकमा जनजाति, यानी चकमा ट्राइब के लोग जो बांग्लादेश से भारत में आए, बांग्लादेश में भी रहते हैं, कुछ म्यांमार भाग गए दक्षिण के रास्ते से। अब इसकी विशेषता क्या है, चितागोंग में मैं इतना छोटा इलाका क्यों देख रहा हूँ जिसको बोलते हैं चितागोंग हिल ट्रैक्ट। चितागोंग हिल ट्रैक्ट में बहुत सारे ट्राइब रहते हैं, और ये जो एरिया है
ये किस किस को टच करता है? चितागोंग हिल ट्रैक्ट भारत को टच करता है और म्यांमार को टच करता है, दो ही देशों को टच करता है। लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और 1984 तक यह सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट था, बहुत बड़ा, लेकिन उसके बाद इसे तीन भागों में बांट दिया गया और डायग्राम में देख सकते हैं काग्राचारी, दूसरा रंगामती और तीसरा बंदरबान डिस्ट्रिक्ट। तो चितागोंग हिल ट्रैक्स में तीन डिस्ट्रिक्ट हैं, काग्राचारी, रंगामती और बंदरबान। बांग्लादेश में वैसे तो पहाड़ियां बिल्कुल नहीं है, बांग्लादेश पूरा समतल है यानी प्लेन है, लेकिन चितागोंग हिल ट्रैक्ट ही एकमात्र बांग्लादेश का पहाड़ी इलाका है। चकमा जो है ये बुद्धिस्ट लोग हैं और ये जो बुद्धिज्म है ये और कहां पाया जाता है? लद्दाख में, सिक्किम, दार्जिलिंग, भूटान, श्रीलंका और बहुत ही कम जगह बची है अब जहां बुद्धिज्म साउथ एशिया में है, तो ये उनमें से है। भारत के अंदर जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो रहते हैं लद्दाख में, सिक्किम, दार्जिलिंग, कुछ हद तक आप हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं, धर्मशाला, मैक्लोडगंज वगैरह में, भूटान और श्रीलंका। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो बुद्धिज्म है वो भी कई तरह का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो धर्मशाला में लोग रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, वो जो बुद्धिज्म है वो अलग है, उसको बोलते हैं तिब्बतन बुद्धिज्म, जो तिब्बत से आया है, दलाई लामा जिसको लेके आए थे अपने साथ। अब इसकी बाउंड्री क्या है चितागोंग हिल ट्रैक्ट की? तो डायग्राम में बड़ा क्लियर है, ये तो ये है चितागोंग हिल ट्रैक्ट, ये मैं शेड कर रहा हूं। तो नॉर्थ में क्या हो गया? असम और त्रिपुरा। अब इसके ईस्ट यानी पूर्व में क्या हो गया? मिजोरम और म्यांमार का कुछ हिस्सा। और साउथ में हो गया म्यांमार का अराकान का जो पहाड़ी इलाका है वो, अराकान म्यांमार हो गया साउथ में। और चितागोंग का जो डिस्ट्रिक्ट है, देखिए चितागोंग तो बहुत बड़ा है, उसमें पहाड़ी इलाका ये है और ये पूरा क्या है? चितागोंग का डिस्ट्रिक्ट वाला इलाका। तो चितागोंग डिस्ट्रिक्ट हो गया इनके पश्चिम में यानी कि वेस्ट में। अब यहां पे कौन कौन से ट्राइब रहते हैं? हमारे काम के सिर्फ हैं चकमा और हजोंग, क्योंकि ये भारत में भाग के आ गए थे, लेकिन और भी ट्राइब रहते हैं यहां पे, जैसे मारमा, म्रो, बॉन, पंखु, ख्यांग इत्यादि, बहुत सारे, लगभग 12-13 तरह के ट्राइब रहते हैं और इन सबको मिला के बोलते हैं जुम्मा। जुम्मा का मतलब होता है वो लोग जो पहाड़ों पे रहते हैं, बांग्लादेश में उन्हें कहा जाता है जुम्मा। और इनमें सबसे ज्यादा जो नंबर है वो है चकमाज का, चकमा का सबसे ज्यादा नंबर है जुम्मा में। तो अब मैं अगर वर्ड यूज करूं जुम्मा तो समझ जाइए कि मैं चकमा की ही बात कर रहा हूं। कई जगह मैं वर्ड चकमा यूज करूंगा, कई जगह जुम्मा यूज करूंगा, एक मतलब जो जुम्मा है इनमें बहुत सारे ट्राइब हैं लेकिन उनमें सबसे मुख्य हैं चकमा। और इनका जो धर्म है वो अलग है, क्योंकि बांग्लादेश में मुसलमान रहते हैं, इस्लामिक कंट्री है मेनली, लेकिन साथ साथ वहाँ चकमा भी रहते हैं और रिलीजन है लेकिन वो माइनॉरिटी में है। ऐसे तो बांग्लादेश में हिंदू भी रहते हैं लेकिन उनका नंबर काफ़ी कम है। तो ये हर तरह से अलग है बांग्लादेश के बाकी इलाकों से, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है। चकमा जो है ये बुद्ध हैं और बाकी बांग्लादेश में मुख्यतः इस्लाम है और बहुत ही कम हिंदू हैं। यानी कि अब आपको पहले दो टर्म समझने पड़ेंगे, एक मतलब होता है इंडिजिनस और एक होता है नॉन इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है जो उसी जगह के रहने वाले लोग हैं उसे बोलते हैं इंडिजिनस, और नॉन इंडिजिनस मतलब जो उस जगह के नहीं है या जो बाहर से आए हैं। अब हमारा जो इसमें कॉन्ट्रोवर्सी में जो इलाका है वो सिर्फ इतना है, ये पहाड़ी इलाका है जिसे बोलते हैं चितागोंग हिल ट्रैक्ट। अब इसके अंदर जो लोग रहते हैं वो हो गए इंडिजिनस, तो इनमें कौन रहता है? चकमा, हजोंग इत्यादि, यानी जुम्मा लोग, यानी जुम्मा हो गए इंडिजिनस। और जो बाहर के लोग हैं यानी जो पूरे बांग्लादेश में जो बचे हैं उसमें मुसलमान रहते हैं वो कौन हो गए? नॉन इंडिजिनस। चकमा जो है ये थेरावाड़ा बुद्धिज्म को मानते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था बुद्धिज्म कई तरह का होता है, तो इनमें दो मुख्य है, एक है थेरावाड़ा बुद्धिज्म और दूसरा है महायान। थेरावाड़ा बुद्धिज्म आपको मिलेगा श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, लाओस, कंबोडिया इत्यादि। महायान बुद्धिज्म मिलेगा चाइना, ताइवान, जापान, कोरिया, कुछ हिस्सा मंगोलिया का इत्यादि। यानी जो थेरावाड़ा बुद्धिज्म है वो जनरली साउथ एशिया में है और महायान बुद्धिज्म जनरली नॉर्थ में है। थेरावाड़ा बुद्धिज्म जो है वो पाली में अपनी वो पढ़ते हैं, सारा जो स्क्रिप्ट वगैरह है वो सब पाली में है। महायान जो है वो जनरली संस्कृत में है। हालांकि दोनों बुद्धिज्म में एक ही बात कही गई है, फोर नोबल ट्रूथ्स की और एट फोल्ड पाथ की। बोधिसत्वा का मतलब होता है जो बुद्ध धर्म का पाथ होता है उसे बोधिसत्वा बोलते हैं। यानी देखिए दो चीजें होती हैं, अगर आप बुद्ध धर्म को मानते हो तो जो पाथ होता है उसे बोलते हैं बोधिचिता, और बाद में जब आप बुद्ध भगवान जैसे बन जाते हो जो अल्टीमेट टारगेट है वो है बोधिसत्वा, यानी बुद्ध बनना वो है बोधिसत्वा, और पाथ को बोलते हैं बोधिचिता। अब जो महायान बुद्धिज्म है वो ये कहता है कि आप संसार का भी भला करो पहले और फिर आप लिबरेशन यानी मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाओ, यानी महायान बुद्धिज्म में संसार का भी भला करो। और थेरावाड़ा बुद्धिज्म ये कहता है कि आप सबसे पहले मोक्ष की तरफ जाओ, संसार वगैरह छोड़ो, क्योंकि अगर संसार में फंस गए तो फंस गए। तो ये कुछ आपको आइडिया होना चाहिए
कि बुद्धिज्म भी कई तरह का होता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। कहानी कहाँ से आगे बढ़ती है, देखिए ये अच्छे भले लोग रह रहे थे यहाँ पे पहाड़ों में, जुम्मा लोग रह रहे थे। अब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब याद होगा आपको, ये बांग्लादेश तो पहले भारत का हिस्सा था, ये सब एक थे। तो 1860 में जो ब्रिटिश थे उन्होंने कब्जा कर लिया बांग्लादेश के ऊपर, जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं। तो भारत के ऊपर भी कब्जा कर लिया, आपको पता ही, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और उसमें हम नहीं जाएंगे। और ब्रिटिश ने यहाँ पर एक रेगुलेशन साइन किया जिसका नाम है CHT रेगुलेशन, यानी ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि ये जो लोग पहाड़ों पर रह रहे हैं यहाँ पर, इनको हमें स्वतंत्रता देंगे। यानी बाहर के जो आउटसाइडर हैं, आउटसाइडर मतलब नॉन इंडिजिनस, जो इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक जो लोग हैं बांग्लादेश के दूसरे हिस्सों में, वो इस एरिया में नहीं आएंगे। ये था CHT रेगुलेशन, यानी एक तरह से ब्रिटिशर्स ने फेवर किया इनकी स्वायत्तता को, पहाड़ी एरिया में जो जुम्मा रहते हैं उनकी स्वायत्तता को, ऑटोनॉमी को। इनफैक्ट 1860 से लेकर 1947 में अंग्रेज चले गए, आजादी मिल गई थी भारत को। तो 1860 में जब वो आए, और 1947 से इतने पूरे एरिया में ये एक एक्सक्लूडेड एरिया था, और जो जुम्मा लोग थे वो अपनी पूरी शांति से रह रहे थे और किसी का दखल अंदाजी नहीं थी, यानी इनकी जो अपनी सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी है वो बरकरार रही। तो 1900 की जो CHT रेगुलेशन थी उसने एक तरह से जुम्मा लोगों के लिए सेफ गार्ड का काम किया, उनको बचाने का काम किया और उनकी स्वायत्तता को बचाने का काम किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि जो बाकी बांग्लादेश के इस्लामिक लोग हैं वो इस एरिया में नहीं आ पाए। एक और इंपॉर्टेंट चीज ब्रिटिशर्स ने कही थी वो ये कि यहां पे जो जमीन है वो किसी और को नहीं दी जाएगी, यानी जो जुम्मा लोगों की अपनी जमीन है वो इन्हीं के पास रहेगी, कोई भी यहां पे जमीन नहीं खरीदेगा, जमीन जो है वो सिर्फ इसी एरिया के इंडिजिनस लोगों के लिए है। लेकिन बाद में कहानियां बदल गई। देखिए 1947 में पार्टीशन हो गया। अब जब पार्टीशन हो गया तो टू नेशन थ्योरी आ गई, या तो आप हिंदुओं के साथ जाइए या मुसलमानों के साथ जाइए, पाकिस्तान बना। तो चकमा जो है, ये जो पूरा एरिया था CHT का, इसमें जितने भी ट्राइब रहते हैं, चकमा बुद्धिस्ट हैं और जो बाकी हैं वो भी कुछ बुद्धिस्ट हैं, कुछ दूसरे हैं, लेकिन टोटल CHT एरिया में 97% तक नॉन मुस्लिम थे, मुसलमान समुदाय के लोग नहीं थे। यानी ये किसके साथ जाना चाह रहे थे? इंडिया के साथ जाना चाह रहे थे। कौन से एरिया के? CHT के। परंतु उस वक्त का अगर हम बांग्लादेश देखें तो जो ये एरिया है CHT वाला, ये सिलहेट का हिस्सा था। तो अगर रेफरेंडम कराया गया कि भाई सिलहेट को किसके पास जाना है, बड़े एरिया में कराया गया, तो सिलहेट जो था ये मुस्लिम बहुल एरिया था, तो इन्होंने कहा हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। चकमा के जो लोग थे ये भारत भी आए, और उस वक्त हमारे एक्टिंग जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नेहरू जी, और होम मिनिस्टर थे गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी, इनसे मिले। और जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हम आपको आश्वस्त करते हैं कि CHT भारत का ही हिस्सा बनेगा। परंतु सिलहेट जो है, देखिए 1905 में आपको याद होगा बंगाल को बांट दिया था लॉर्ड कर्जन ने, धर्म के आधार पर बांटा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो उस वक्त सिलहेट जो था असम से अटैच कर दिया था, आप जानते हैं, मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, सिलहेट असम से अटैच कर दिया था, और जो CHT है ये सिलहेट का पार्ट था। अब रेफरेंडम कहाँ पे हुआ? रेफरेंडम हुआ सिलहेट के अंदर, और सिलहेट में मुस्लिम ज़्यादा हैं टोटल ओवरऑल, CHT तो छोटा इलाका है ना। तो इन्होंने कहा हम तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, तो चकमा फंस गए अब, क्योंकि CHT वालों को किसके साथ जाना पड़ा? पाकिस्तान के साथ। अब जो बाउंड्री कमीशन था, आपको याद होगा रेड क्लिफ लाइन आपने सुनी होगी, तो ये एक जज थे सिरिल रेड क्लिफ, इन्होंने, ये बाउंड्री कमीशन के अध्यक्ष थे, हेड थे, और इन्होंने फिर चकमा को पाकिस्तान में भेज दिया, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, हम इसे कहने लग गए ईस्ट पाकिस्तान। अब ये इसलिए भी किया गया था क्योंकि भारत को मिल गया था कैलकटा पोर्ट, और पाकिस्तान को इसीलिए चित्तागोंग पोर्ट देना था। तो अल्टीमेटली मोटी बात यह है कि अब चकमाज पाकिस्तान का हिस्सा थे, ईस्ट पाकिस्तान। चकमा जो थे वो इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि वो भारत के साथ आना चाहते थे, क्योंकि यहां पे 97% मुसलमान नहीं थे, CHT एरिया की बात हो रही है। इन्होंने भारत का ध्वज फहराया रंगामती पे, जो उस वक्त भी और आज भी CHT का सबसे बड़ा टाउन है। बाउंड्री कमीशन के जो रिकमेंडेशन थे वो सीक्रेटिव रखे गए थे, जो रेड क्लिफ कमीशन था उसके जो रिकमेंडेशन थे वो सीक्रेट रखे गए थे, तो इन्हें बाद में पता चला, इन्होंने पहले ही वहां भारत का झंडा फहरा दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने बांग्लादेश जो जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं वहां पे भारत का झंडा फहरा दिया, तो इन्हें ट्रेटर माना गया, यानी गद्दार माना गया पाकिस्तान अथॉरिटी के द्वारा, क्योंकि ये पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था। तो जब इन्होंने भारत का झंडा फहराया तो 21 अगस्त को 6 दिन बाद ही पाकिस्तान ने वो झंडा हटा दिया और इनको गद्दार और बिट्रेयर घोषित कर दिया। तो जो ईस्ट पाकिस्तान की सरकार थी वो इनसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगी। इन्होंने, पाकिस्तान ने क्या किया, ईस्ट पाकिस्तान ने इनको
एक्सक्लूडेड ग्रुप की बजाय ट्राइबल ग्रुप में ले आए। इसका मतलब ये है, देखिए ब्रिटिश के टाइम क्या था, ब्रिटिश के टाइम याद ये था कि सीएचटी एरिया में इनकी जो जमीन है वो कोई भी नॉन इंडिजिनस को नहीं जाएगी, दूसरी बात इस एरिया में दूसरे लोग नहीं आएंगे, तो इनको सेफ गार्ड किया हुआ था ब्रिटिशर्स ने। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, इनका जो एक्सक्लूडेड ग्रुप का स्टेटस था उसको चेंज कर दिया ट्राइबल ग्रुप में। इस हरकत के बाद क्या हुआ, यहां पे दूसरे एरिया के लोग आने स्टार्ट हो गए। अब जो बांग्लादेश के मुसलमान वगैरह हैं वो इस एरिया में आने स्टार्ट हो गए, और चकमा और हजोंग जो मेन जो दो ट्राइब हैं उनको यहां से निकालना स्टार्ट कर दिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई यहां पे, ईस्ट पाकिस्तान ने यहां पे बनाया कप्ताई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप कहें कि ट्रिगर किस चीज ने करा, तो इसने करा। देखिए कप्ताई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट क्या था, ये 1962 में कमीशन हुआ था, और इस डैम के बनने की वजह से, देखिए जब भी कोई डैम बनता है, बांध बनता है, तो आपको एक जमीन चाहिए होती है पानी रोकने के लिए, और उस जमीन पे नदियों के किनारे जो है हमेशा कोई ना कोई लोग जरूर रहते हैं। जैसे हमने भारत में देखा जब नर्मदा डैम बना था तो वहां पे बहुत सारे लोगों को वहां से हटाना पड़ा था, क्योंकि जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं, जो ट्राइबल होते हैं, वो जनरली नदियों के किनारे रहते हैं। तो कप्ताई जब डैम बना तो वहां से लोगों को हटाया गया, तो उनमें कौन हटा, चकमा हजोंग जो जुम्मा थे वो हट गए। 1,00,000 ट्राइबल पीपल को वहां से हटाया गया डैम बनाने की वजह से, और इनमें 70% थे चकमा। अब चकमा जाए तो जाए कहां, अगर वो बांग्लादेश के दूसरे हिस्सों में जाएंगे जो मुसलमान बहुल इलाके हैं तो ये मार दिए जाएंगे, तो इसलिए ये जान बचा के इन्होंने भागना शुरू कर दिया इधर उधर। और जो ये कप्ताई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की वजह से यहां पे जो लेक बनाया गया, जो डैम बनाया गया, इसलिए इसको ये कहते हैं लेक ऑफ टियर। जो चकमा कम्युनिटी है चित्तागोंग की, वो कप्ताई रिजर्वर को क्या बोलती है, लेक ऑफ टियर, आंसुओं का, आंसुओं की झील। यानी कि चकमा जो है अब जान बचा के अपनी भागने लगे वहां से, क्योंकि जो मुसलमान है दूसरे एरिया के बांग्लादेश के वो इस एरिया में आने लगे। अब ये जान बचा के कहां भागे, ये जान बचा के भागे उस वक्त असम का लुशाई हिल डिस्ट्रिक्ट था, जिसे हम आज मिजोरम बोलते हैं, ये वहां भागे। भारत ने, क्योंकि वहां उनकी बहुत बुरी हालत थी, उनको एंट्री देनी शुरू कर दी। तो ये डैम कब बना था, 1962 में कमीशन हुआ था, 1964 में, यानी 62 से 64 ये इंडिया में आने लगे, और 1964 में विष्णु सहाय जो उस वक्त असम के गवर्नर थे, उन्होंने ये फियर किया, उनका डर ये था कि जो मिजो ट्राइब थी, उस वक्त तो मिजोरम बना नहीं था तो असम में ही रहती थी मिजो ट्राइब, क्योंकि मिजोरम असम का हिस्सा था, तो मिजो ट्राइब से इनका क्लैश होगा, एथनिक क्लैश, ये बाहर के लोगों को नहीं अपनाएंगे। तो इन्होंने कहा, विष्णु सहाय ने वहां की गवर्नमेंट को ये एडवाइस दिया कि जो भी चकमा असम में आ रहे हैं हम उनको भेज देते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में, जिसको हम आज बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो यानी कि चकमा कहां कहां गए, चकमा सबसे पहले आए लुशाई हिल डिस्ट्रिक्ट में, यानी मिजोरम, उस वक्त इसको बोलते थे लुशाई हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, आज बोलते हैं मिजोरम। मिजोरम से इनको कहां भेज दिया गया, असम के दूसरे हिस्सों में और अरुणाचल में। अब यहां तक क्लियर है चीज आपको। एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, जब ये डैम बना था कप्ताई वाला जो डैम था, इसकी वजह से लगभग 22,000 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन जो थी उस पे पानी आ गया था। इस वजह से भी चकमास को वहां से भागना पड़ा, क्योंकि ये इनमें से बहुत लोग खेती भी करते थे, अब खेती किस पे करेंगे, जमीन तो इनकी डूब गई इस डैम के बनने की वजह से। अब ये इंडिया में आने का जो प्रोसेस है ये चलता रहा, अरुणाचल में और जो सराउंडिंग एरिया है असम के, मिजोरम जिसे हम आज कहते हैं, वहां पे ये आते गए। 1964 से 69 के बीच में, यानी अगले 5 सालों में जो चकमा है ये अरुणाचल के तिराप, लोहित और सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेटल हो गए। अरुणाचल प्रदेश ने ऑफकोर्स रजिस्ट किया, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि बाहर के लोग वहां पे आए और कंपटीशन करें। अरुणाचल ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन अरुणाचल में उस वक्त कोई बहुत ही ज्यादा इलेक्टेड अच्छी पॉपुलर सरकार नहीं थी, इस वजह से जो वहां के लोग थे, इंडिजिनस पीपल थे अरुणाचल के, उनकी बात किसी ने ज्यादा नहीं सुनी। लेकिन उसके बाद जब पानी सर से ऊपर चला गया, क्योंकि चकमा जो थे वहां पे आते गए और वहां पे अरुणाचल में स्टूडेंट यूनियन बनने स्टार्ट हो गए, और वो स्टूडेंट यूनियन ये बोले कि ये जो लोग हैं ये फॉरनर हैं, बाहर के हैं, तो एंटी फॉरनर मूवमेंट स्टार्ट हो गया पूरे स्टेट के अंदर। और जब एक स्टेट में स्टार्ट हुआ तो आप जानते हैं कि जो ये 7 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, इनमें सब में फैल गया, एक चिंगारी की तरह फैला पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, एंटी चकमा प्रोटेस्ट होने लगे। अब जो चकमा है ये असम, त्रिपुरा, मिजोरम में इनको सिटीजनशिप राइट मिल गए, और इनको एक स्केड्यूल्ड ट्राइब ST रिकॉग्नाइज किया गया। मैं रिपीट करता हूं, असम में, त्रिपुरा में और मिजोरम में जो ये गए थे वहां पे इन्हें ST का दर्जा दे दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, अब जो वहां के खुद के ST थे उनकी जो रिजर्वेशन थी वो अफेक्ट हो गई इससे। अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या हुआ,
अरुणाचल प्रदेश के अंदर वहां के जो लोग थे उनमें सबसे ज्यादा रोष था चकमास को लेकर, क्योंकि देखिए अरुणाचल जो है ये भारत के अंदर जैसे कश्मीर है, कश्मीर को एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग राज्य का दर्जा देता है, अरुणाचल को भी एक अलग राज्य का दर्जा मिला हुआ है, यानी उसको लीगल प्रोटेक्शन मिली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली हुई है। यानी अरुणाचल में फॉर एग्जाम्पल आप जमीन नहीं खरीद सकते। तो चकमा वगैरह जब वहां पे सेटल होने लगे तो अरुणाचल के जो लोग थे उनके मन में ये डर आया कहीं ये यहां पे जमीन खरीदने लग गए तो क्या होगा, या अगर इनको वोटिंग राइट दे दिए। देखिए जब किसी भी समुदाय को वोटिंग राइट मिल जाते हैं तो वो पावरफुल हो जाती है, क्योंकि पॉलिटिशियन फिर उन्हें वू करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी डिमांड को मानना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां पे जो प्रोटेस्ट थे बहुत ही ज्यादा बढ़ गए अरुणाचल के अंदर। अरुणाचल के लोगों को यह लगा कि हमारा जो स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, हमारा स्टेट एक डंपिंग ग्राउंड की तरह यूज हो रहा है कि भाई कहीं से भी रेफ्यूजी आए अरुणाचल भेज दो। और असम के गवर्नर ने भी यही किया था। असम के गवर्नर ने क्या बोला था, अरुणाचल के अंदर काफी जमीन वेकेंट है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का 70% से ज्यादा भाग जंगल है, तो उन्होंने कहा वहां पर काफी जमीन है आप वहां चले जाओ। तो इनको अरुणाचल में जबरदस्ती भेजा गया था। अब क्या हुआ देखिए, अब बांग्लादेश 1971 की बात है, बांग्लादेश आजाद हो गया, बांग्लादेश बन गया, ईस्ट पाकिस्तान खत्म, अब बांग्लादेश बन गया। तो चकमाज ने क्या किया, अपनी अपने अधिकारों के लिए लड़ना स्टार्ट करा, लेकिन ये जो लड़ना था अब ये शांतिपूर्वक नहीं रहा, इन्होंने अब गन्स उठा ली, हथियार उठा लिए। जैसे भारत में भी आपने देखा होगा नक्सल थे, नक्सल जो है उन्होंने हथियार उठा रखे हैं, इसी तरह बांग्लादेश में जो एक इन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बना दी, एक अपनी आर्मी बना दी खुद की, जिसका नाम है शांति वाहिनी। शांति वाहिनी किसके लिए लड़ रही है, चकमा के अधिकारों के लिए वहां की सरकार से, बांग्लादेश की सरकार से। और इन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया, हथियार उठा लिए। इन्होंने बहुत कोशिश की वहां की जो सरकार है उससे नेगोशिएट करने की, लेकिन वहां की सरकार ने इनकी बात नहीं मानी। और बात मानना तो छोड़िए, वहां अब इन्होंने हथियार उठा लिए तो बांग्लादेश की जो सरकार है वो भी कम नहीं है, उन्होंने अपनी आर्मी भेजी और इनका कत्लेआम करा। इनफैक्ट 1986 में वहां के जो प्रेसिडेंट हैं हुसैन मोहम्मद इरशाद, उन्होंने खुद बांग्लादेश की पार्लियामेंट को कहा कि 1000 से ज्यादा चकमा मारे जा चुके हैं वायलेंस के अंदर। ये वायलेंस चलती रही और पूरे बांग्लादेश में एक एंटी चकमा एक जो सेंटिमेंट है वो बढ़ गए। बांग्लादेश के लोग पहले ही इन्हें गद्दार मानते थे, तो इनके खिलाफ और ज्यादा अब जो आर्मी थी मिलिट्री थी वो इन पे हावी हो गई। ये अब अपनी जान बचा के फिर और भागे। 1987 में 45,000 ये चकमा और हजोंग और आ गए भारत में त्रिपुरा के अंदर, सिर्फ 15 दिन के अंदर जान बचा के भागे। और ये यहाँ पे जो शिविर हैं रेफ्यूजी शिविर वगैरह, उनमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने उनको रखा। ये इन जब आए तो इन्होंने बताया कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो इनके साथ रेप करती है, मर्डर करती है, इनका डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इन पर अत्याचार करती है, उत्पीड़न होता है, मानवाधिकारों का हनन होता है। ये सब इन्होंने अपनी स्टोरी इंडिया में आके सुनाई। अब इसमें समझने वाली बात ये है, जब आर्म्ड स्ट्रगल हो गया तो आर्म्ड स्ट्रगल शांति वाहिनी के द्वारा था, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करी थी उस वक्त, यानी 1972 में शेख मुजीबुर रहमान के साथ, जो बांग्लादेश के प्रीमियर थे उस वक्त। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान उनको बोले गुस्से में कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, तुम जाके बंगाली बन जाओ। इतना ही नहीं, उन्होंने आर्मी भेज दी चकमाज को ख़त्म करने के लिए, चकमा हजोंग जो भी CHT एरिया था उसमें। तो काफ़ी इनका ऑपरेशन हुआ, आर्मी के द्वारा काफ़ी इन पर अत्याचार किए गए। इसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल हो गया, असैसिनेशन हो गया अगस्त 1975 में, इनका मर्डर कर दिया गया। उसके बाद तो इनके ऊपर और ज्यादा जैसे आर्मी का और ज्यादा ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। चकमाज ने पूरी कोशिश करी कि बांग्लादेश की जो सरकारें हैं उनके साथ बात करो, वार्ता करो। 1985 से 1989 में जनरल इंशार्द गवर्नमेंट के साथ कोशिश करी, बेगम खालिद जिया लेड BNP गवर्नमेंट के साथ कोशिश करी अगले 5 सालों में। फाइनली शेख हसीना लेड आवामी लीग गवर्नमेंट बनी थी 1996-97 में, वो इनकी बात मान गए और इन्होंने साइन किया CHT अकॉर्ड। अब आपको याद होगा कि जो CHT अकॉर्ड है पहले, सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने साइन किया था, और CHT अकॉर्ड का मतलब ये था कि हम आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे, यानी जो चकमा है हम आपके अधिकारों को बचाएंगे, आपके यहाँ दूसरे जो एरिया के लोग हैं वो नहीं आएंगे। तो ये फाइनली साइन हो गया। अब जब ये साइन हुआ तो इसमें मुख्य बात ये थी कि वहाँ की सरकार ने भी शर्त रखी चकमाज के पास, उन्होंने कहा आप अपने हथियार डाल दो, हम आपके जो अधिकार हैं आपको देंगे, आपकी जो जमीन है वो आपको वापस देंगे, और आपको स्वायत्तता देंगे, ऑटोनॉमी देंगे। तो पीसफुल रहा थोड़े टाइम। लेकिन एक और इस बीच चीज ये हुई कि इससे पहले ये इन्होंने 97 में वहां साइन की, जो चकमा और हजोंग भारत में थे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया कि उन्हें उन्हें इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सिटीजनशिप देगी, भारत की नागरिकता देगी। लेकिन आज तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो
97 में जब ये पीस डील साइन हो गई बांग्लादेशी सरकार के साथ, तो भारत के जो चकमा रेफ्यूजी थे उनको भारत की सरकार ने भी कोशिश की उनको वापस भेजो अब, क्योंकि अब इनकी सरकार इन्हें अपनाने के लिए दोबारा तैयार हो गई है। तो 2003 में बहुत सारे रेफ्यूजी जो थे उनको वापस भेज दिया। लगभग 65,000 रेफ्यूजी थे जो त्रिपुरा से बांग्लादेश वापस चले गए, चकमा और हजोंग रेफ्यूजी। लेकिन जब वो वहाँ वापस गए तो वहाँ की सरकार ने इनका ढंग से ख्याल नहीं रखा, इनको उतने अधिकार नहीं दिए, यानी जो CHT अकॉर्ड साइन किया था उसका सम्मान नहीं किया। अब ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है ये क्या है? देखिए कंट्रोवर्सी ये है, सेंटर वर्सेस स्टेट चल रही है मेन लड़ाई। सेंटर वर्सेस स्टेट क्या है? आपको याद होगा 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उनको सिटीजनशिप दे दो। अब सिटीजनशिप कैसे दे दें? अरुणाचल में जो सरकार है वो कैसे दे दे सिटीजनशिप? वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो सरकार गिरा देंगे। तो अरुणाचल में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, जो भी नॉर्थ ईस्ट में जहां जहां चकमा है उनके खिलाफ चकमा गो बैक के नारे लग रहे हैं। जंगा जंगा स्टूडेंट यूनियन, NGO, लोकल पॉलिटिकल पार्टी वहां की, वो चकमास के खिलाफ आवाज उठा रही है। वो ये कह रही है कि ये हमारे अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल 1995 में क्या हुआ था, कांग्रेस गवर्नमेंट थी वहां पे, जेजोंग अपांग, उन्होंने थ्रेटन किया कि मैं रिजाइन कर दूंगा, जो सेंटर है उसे रेफ्यूजीज को यहां से पूरा हटाना पड़ेगा। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोली हम तो चकमाज को वैसे वापस नहीं भेज सकते, वहां से रिलोकेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से सेंटर वर्सेस स्टेट जब से चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अरुणाचल में है, और जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा 2014 के अंदर कि किसी भी देश में, मैं रिपीट करता हूं, किसी भी देश में अगर कोई भी हिंदू रेफ्यूजी है वो भारत आ सकता है। तो इन्होंने एक एक्ट पास करा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016। इसके तहत सिर्फ हिंदू पे अप्लाई होती है ये, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, पारसी और क्रिश्चियन, मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होती है। तो इन्हें भारतीय नागरिकता बनानी आसान कर दी। पहले 11 साल रहना पड़ता था तब इंडियन सिटीजनशिप मिलती थी इन्हें, अब वो घटा के 6 साल कर दी। तो ये BJP की सरकार लेके आई ये बिल, सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का है वो इन्होंने चेंज किया, रिलीजियस माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप मिलना आसान कर दिया। लेकिन समझने वाली बात यह है, इस रिलीजियस माइनॉरिटी में मुस्लिम नहीं है, बाकी सारे माइनॉरिटी हैं, जैसे हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियन इत्यादि, खासकर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या है कि जो माइनॉरिटी हैं उनका बहुत कत्लेआम होता है, इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने ये डिसीजन लिया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चकमा और हिंदू हजोंग रिफ्यूजी हैं अरुणाचल में उन्हें तुरंत सिटीजनशिप दे दो, यानी कि जो 1996 की इनकी रूलिंग थी उसको रीइन्फोर्स किया सुप्रीम कोर्ट ने। सेंटर को बड़े ही कठोर शब्दों में कहा अभी तक सिटीजनशिप इन्हें क्यों नहीं मिली, तुरंत इन्हें, जो चकमा और हजोंग है इन्हें अरुणाचल में सिटीजनशिप दे दी जानी चाहिए। तो 2015 से जो चकमास के खिलाफ प्रोटेस्ट हैं अरुणाचल में बहुत ज़्यादा तेज हो चुके। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में क्या बताया था कि जो मिजोरम है, मिजोरम में चकमास के स्टूडेंट जो हैं उन्होंने MBBS की सीट का एग्जाम क्लियर कर लिया, पर मिजोरम की सरकार ने सीट नहीं दी, और ये हर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में चल रहा है। अरुणाचल के अलावा मिजोरम में बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रही हैं, इनको चकमा फॉरनर बोला जा रहा है, और जो ट्राइबल ग्रुप है मिजोरम के, अपने जो लोकल ट्राइबल ग्रुप है, वो कह रहे हैं कि इनका नंबर बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट अब चकमाज का नंबर 1,00,000 क्रॉस कर गया है, ये कुछ 5-6,000 थे जब आए थे, अब इनका नंबर 1,00,000 से ज़्यादा हो चुका है, और ये अब कह रहे हैं हमें एक अलग जमीन चाहिए, अपना अलग राज्य चाहिए जिसका नाम है चकमा लैंड, और इसको यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए। चकमा लैंड, जैसे गुरखा लैंड है उसकी डिमांड हो रही है, इसी तरह से ये अब अपना चकमा लैंड जो है ये इसकी मांग कर रहे हैं। तो बहुत सारे चकमा हैं अरुणाचल में अभी जो पड़े हुए हैं, शिविरों में पड़े हुए हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है, ना उनके पास एजुकेशन है, ना हेल्थ केयर है, ना कोई ज़मीन के अधिकार हैं, बहुत मिजरेबल कंडीशन है, और वहाँ की जो लोकल ट्राइब है उनसे उनकी कन्फ्लिक्ट चल रही है। तो सेंटर वर्सेस स्टेट लड़ाई चल रही है, ये है चकमा कॉन्ट्रोवर्सी पूरी। अब एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जो बांग्लादेश में क्या हुआ पिछले कुछ सालों में। आपको मैंने बताया था कि ये जो पहाड़ी एरिया है CHT, इसके अंदर 97% लोग नॉन मुस्लिम है, ठीक है। बांग्लादेश में सेंसस हुआ 2011 में, बांग्लादेश के सेंसस में ये पता चला कि CHT में जो पॉपुलेशन है वो है 16,00,000। 16,00,000 में से 8.4 लाख हैं यहाँ पे जुम्मा, जिनमें चकमा, हजोंग वगैरह ये सब हैं, और 7.5 लाख हैं मुस्लिम, यानी आज 50-50 हो चुका है यहाँ पे ऑलमोस्ट। ये देखिए ऑलमोस्ट 50-50, यानी यहाँ पे जो मुस्लिम इन्वेजन है बहुत ज़्यादा हो चुका है, और जो भी पूरे बांग्लादेश से जो मुस्लिम है जो इस एरिया के अंदर आए हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोकल कम्युनिटी को ओप्रेस किया है, उनके अधिकार छीने हैं, उनका कत्लेआम किया है, मानवाधिकारों का हनन हुआ है, और बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुआ है। यानी
इंडिया में इनकी हालत वैसे ही खराब है, चकमा की, अरुणाचल में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, वहां कह रहे हैं इन्हें वापस भेजो, और बांग्लादेश में जा नहीं सकते क्योंकि वहां इनका कत्लेआम हो जाएगा। तो इसलिए ये जो ट्राइब है आज भी अपने वजूद की तलाश में। तो अगर मुझे आंसर राइटिंग के लिए समअप करना हो तो बांग्लादेश में क्या प्रॉब्लम हो रही है इनके साथ, बांग्लादेश में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो CHT एरिया है उसका इस्लामाइजेशन हो रहा है, वहां पे इस्लाम के लोग आके बस रहे हैं, एथनिक क्लेंजिंग हो रहा है यानी कत्लेआम हो रहा है जो माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, चकमाज का, हजोंग का, जो भी माइनॉरिटी है नॉन मुस्लिम उनका। CHT अकॉर्ड जो साइन किया था शेख हसीना सरकार के साथ 1997 में, उसका उल्लंघन हो रहा है, उसको माना नहीं जा रहा है, और लैंड ग्रैबिंग चल रही है यानी जमीन का अतिक्रमण चल रहा है मुस्लिम सेटलर्स के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा, आर्मी के द्वारा, CHT में जो लोग हैं, जो जनजातियां हैं उनका शोषण हो रहा है। इंडिया के अंदर क्या इशू आ रहे हैं चकमाज के, एथनिक क्लैशेज हो रहे हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है नॉर्थ ईस्ट के, मिजोरम, अरुणाचल, असम, वहां के लोकल ट्राइब्स जो हैं उनको फॉरनर की तरह मान रहे हैं, तो एथनिक क्लैश हो रहे हैं, जो एक्सेप्टेंस है इनकी नहीं हो पा रही लोकल ट्राइब्स के द्वारा, और इनका ओरिजिनल देश भी इन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है, इनको कोई प्रॉपर केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुपोषण का शिकार है, खाना नहीं मिल रहा प्रॉपर, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उतना अच्छा पुश नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल अभी जो किरण रिजिजू हैं, किरण रिजिजू ने ये कहा है अभी 7 दिन पहले कि अरुणाचल में हम इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं दे सकते क्योंकि वहां के जो लोकल ट्राइब है अरुणाचल के वो इस बात को स्वीकृति नहीं देंगे। तो इस तरह से ये सेंटर वर्सेस स्टेट लड़ाई चल रही है। अभी मैं आपको फिगर अगर दूं, अरुणाचल में 7,000 चकमा रहते हैं, चकमा और हजोंग, उनमें से सिर्फ 1500 को सिटीजनशिप मिली है अरुणाचल में, ये लेटेस्ट फिगर है, 7,000 में से सिर्फ 1500। मिजोरम के अंदर तो इनका नंबर 1,00,000 से ज्यादा है और दूसरे असम वगैरह में भी बहुत है। तो ये थी पूरी चकमा कॉन्ट्रोवर्सी। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि चकमा कौन है, कहाँ से आए, और पूरा इनका जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। इस तरह से समझना टॉपिक को आसान हो जाता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।